हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राजोत्रा आई एस अकेडमी माई नेम इज़ हर सिंह एंड एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ नेम्ड यू पी एस सी एक्सप्लेन सो इन दिस सीरीज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक कॉम्पोनेंट दैट इज क्रायोजेनिक्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ बींग यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी ओके सो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रायोजेनिक्स है क्या तो क्रायोजेनिक्स क्या है इट इज़ द प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मटीरियल एट वेरी लो टेम्परेचर ओके सो इसमें क्या होता है कि एज यू ऑल नो दैट वी हैव गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड दे एग्जिस्ट इन गैशियर स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लेकिन अगर हम वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं और हम अपने uh, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑपरेशन हैं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं सो द पॉइंट वेयर रेफ्रिजरेशन एंड्स एंड क्रायोजैनिक्स बिगिंग सो ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है बट साइंटिस्ट ने क्या ज्यूम करा है दैट इफ ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एट और बिलो माइनस वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कराओजेनिक गैस एंड इट कैन बी यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी ओके सो फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ यहाँ पर हम बात करें कि क्रायोजेनिक्स जो है उसको हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं सो इट इज़ यूज इन क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में क्या है कि आ, जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है वो है सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट्स की रिस्पेक्टिवली तो लेकिन जो थर्ड स्टेज है इन दैट स्टेज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इज़ यूज एंड लिक्विड एंड हाइड्रोजन इज़ यूज सो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज used as एन ऑक्सीडाइज़र ओके तो क्रायोजेनिक जो स्टेज uh, है उसमें दोनों ये फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर जो हैं वो यूज़ होते हैं तो उसको लिक्विफाई करा जाता है पहले सो so, ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल लिमिटेड uh, नेशन ने यूज़ करी है और सबसे पहले जो हाईली एफिशेंट इंजन था वो uh, यूज़ हुआ था यूएस एटल सेंटोर में ओके okay, तो ये बहुत ही रिमार्केबल सक्सेस रही है नासा की और अब तक अगर हम कंट्रीज़ की बात करें नेशंस की बात करें सो इट इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स रशिया जापान इंडिया फ्रांस एंड चाइना ओके सो दीज हैव डेवलप्ड दीज क्राइजेनिक रॉकेट इंजनस ओके तो इसमें इंडिया भी अब इंक्लूड हो गया है चलिए आगे बात करते हैं तो अगर हम uh, एक मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो uh, लॉन्च व्हीकल होता है ओके सो इसकी पे लोड कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करेगी दैट हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर ओके तो नॉर्मल जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स हैं हेयर फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर ऑक्यूपाइड 85, अप टू 85 परसेंट ऑफ द स्पेस सो वेरी लेस स्पेस इज लेट फॉर पे फॉर एग्जाम्पल सेटेलाइट और सम अदर थिंग और एस्ट्रोनॉट्स सो so, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजर सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन लिक्विफाइड ऑक्सीजन यूज़ होती है अगर हम उसको यूज़ करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर पे लोड कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं सो देर इज़ कॉन्टीन्यूस यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है इस स्टेज की कि इसको हम और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं सो रॉकेट इंजर्स में क्या है कि हाई मास फ्लो रेट चाहिए यानी कि बहुत ज़्यादा हमें पावरफुल इग्निशन चाहिए ऑक्सीडाइज़र एंड फ्यूल दोनों की ताकि जो एड्यूक्रेट थ्रस्ट है जो रॉकेट को चाहिए वो उसको मिल सके सो ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइज़र है ओके okay? सो so, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो ये गैशियस स्टेज में है और इसी तरह जो सिम्पलेट फ्यूल है हाइड्रोजन वो भी गैशियर स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर लेकिन अगर हम उसको लिक्विफाई करते हैं तो हम उसको लिक्विड स्टेज में स्टोर कर सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और उसका रीज़न ये है कि जब ये फ्यूल लिक्वी लिक्विफाइड होंगे तब तो वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है बढ़ जाएगी वॉल्यूम जो है वो कम एक्वायर करेंगे ठीक है सो ये देखिए यहाँ पे प्रोपेलेंट्स कैन बी स्टोर्ड एज प्रेसराइज गैसेस ओके बट दैट वुड रिक्वायर लार्ज हैवी टैंक्स तो उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी सो उससे क्या होगा कि जो स्पेस फ्लाइट है ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है दैट वुड बिकम वेरी मच डिफिकल्ट ओके इफ नॉट इम्पॉसिबल सो ऑन द अदर हैंड इफ वी कन्वर्ट दैन इंटू लिक्विड स्टेट दैन एट हायर डेंसिटी एंड लोअर प्रेशर तो देयर कैरिंग कैपेसिटी कैन बी प्रूव टू ए लार्ज एक्सटेंड ठीक है उसको ले जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा सो so, अगर हम बात करें इन क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स की तो ये डिपेंड करते हैं प्रोपेलेंट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिक्विड ऑक्सीजन एग्जिस्ट बिलो माइनस वन एटी थ्री डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड हाइड्रोजन बिलो माइनस टू फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस सो इसके लिए भी भी हमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन को जैसे माइनस टू फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो जब हम उसको आ, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में तो उसको आ, कैरी करना आसान हो जाता है सो वन और मोर ऑफ द प्रोपेलेंट्स इज़ इन द लिक्विड फेस ऑल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन आर बाई डेफिनेशन इधर लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन्स और हाइब्रिड रॉकेट इंजनस ठीक है तो इसीलिए इसको कहा जाता है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन ओके चलिए आगे देखते हैं क्या है तो इसमें जो हमारे पास आ, जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो हमारे पास यूज होता है इंडिया में विच हैज बीन यूज बाय इसरो दिस इज सी ई ट्वेंटी ओके सो इट इज डेवलप्ड बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर विच इज सब्सिडरी ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सो इट हैज बीन डेवलप्ड टू पावर द अपर स्टेज ऑफ जी एस एल वी मार्क थ्री सो अगर हम वैसे बात करें हमारे जो लॉन्च वहीकल्स हैं तो मेनली uh, हमारे पास पी एस एल वी है और जी एस एल वी है तो पी एस एल वी को हमने ज़्यादा यूज़ करा है लोअ अर्थ ऑर्बिट और मिडल अर्थ ऑर्बिट में प्लेस uh, करने के लिए सेटेलाइट्स को लेकिन जो जी एस एल वी है तो इसको हम यूज़ करते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स जो ऑर्बिट हैं जो कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं नॉर्मली तो इनके लिए हमने यूज़ करे जी को लेकिन जो हमारे फ्यूचर uh, जो हमारे एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसको हमने गगनयान का नाम दिया है और या फिर हमारे जो इंटरप्लेनेटरी जो हमारे एक्सपीडिशन होंगे तो उसके लिए हमें और पावरफुल इंजन चाहिए होंगे तो वो जी मार्क थ्री से ही कंप्लीट होगा ठीक है वो जो मिशन है वो इससे ही कंप्लीट होंगे तो हमने इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा है क्रायोजेनिक टेक्निक तो हमने पहले ये रशिया से टेक्निक ली थी ठीक है तो जो शुरू में हमने जीएसएलवी थ्री जो था हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन था वो हमने यूज करा बट वो जो मिशन था वो अप्रैल 2010 में फेल हो गया था ठीक है तो उसको हम हेल्थ सेट का भी नाम देते हैं वो जो सेटेलाइट था क्योंकि उसकी जो थर्ड स्टेज थी जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज थी वो फेल हो गई थी सो इट वाज अ बिग फेलियर बट आफ्टर दैट इंडिया ट्राई टू डेवलप ऑन इट्स ओन तो इन्होंने जब आ, खुद बनाया तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा जी एस एल मार्क थ्री ओके इससे पहले जी एस एल वी मार्क वन मार्क टू भी थे लेकिन अब जी एस एल वी मार्क थ्री जो है आ, इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर करा है अब इसमें ये जो जी एस एल वी मार्क थ्री है इसकी बात करेंगे तो इट इज अ थ्री स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ओके बाय तो इसरो ने इसको रेडी करा है तो डिजाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिकॉज दे हैव टू बी प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जहां पर जो हाइट uh, है वो थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर रहती है ओके सो इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज लॉन्च व्हीकल फॉर क्रूड मिशन तो एज वी ऑल नो जो गगनयान मिशन है हमारा इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसके लिए भी हम इसको यूज करेंगे चंद्रयान टू के लिए भी इसको यूज करा गया है सो जी एस मार्क थ्री हैज हायर पेलोड कैपेसिटी ओके एज कंपेयर टू एनी अदर लॉन्च व्हीकल बींग यूज बाय जो सक्सेसफुली कंडक्टेड फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च जो था इसका फिफ्थ ऑफ जून टू थाउजेंड में ये देखिए जीएसएल मार्क थ्री का फ्राम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश तो वहाँ से इसको लॉन्च करा गया सक्सेसफुली एंड आफ्टर दैट अगर हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस की बात करें ओके okay, तो फर्स्ट स्टेज जो है ये इसमें रहती है सॉलिड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज इज़ लिक्विड स्टेज तो सॉलिड स्टेज में हम यूज करते हैं एच टी पी बी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन

कम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्टेज तो हम वहाँ पर लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं ठीक है तो फर्स्ट स्टेज में हमने यूज़ करा सॉलिड प्रोपेलेंट एच टी पी बी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन एंड दीज आर द एस टू हंड्रेड सॉलिड मोटर्स विच आर यूज अलॉन्ग विद द लॉन्च व्हीकल तो ये उसको जो रिक्वायर्ड uh, थ्रस्ट है प्रोवाइड करते हैं एंड एज एज पर रिक्वायरमेंट तो इसका जो नंबर है वो इंक्रीज और डिक्रीज करा जा सकता है ओके सो दे कैन बी यूज इन इन नंबर लाइक फोर बूस्टर कैन भी यूज और टू कैन भी यूज ठीक है तो ये डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर सो so, जो सेकेंड स्टेज है दिस इज एल वन वन जीरो लिक्विड फ्यूल स्टेज तो यहां पर हमारे पास नॉर्मली uh, विकास टू ठीक है ये इंजन यूज होते हैं तो ये, ये देखिए uh, ये है सेकेंड स्टेज दैट इज लिक्विड फ्यूल स्टेज और यहां पर जो हम यूज uh, करते हैं फ्यूल वो है डायमिथाइल हाइड्राजीन ओके और जो नाइट्रोजन टाइट्रक्साइड है वो एज ऑक्सीडाइजर यहाँ पे यूज होता है तो लिक्विड फ्यूल जो है वो रिक्वाय थर्स प्रोवाइड करता है इन द सेकेंड स्टेज ओके सो दिस इज अ विकास इंजन सो विकास इंजन ये जो है इसका प्रोटोटाइप है विकास इंजन का एंड इट वॉज फर्स्ट टेकन फ्रॉम फ्रांस तो उसके बाद जो उसके कॉम्पोनेट से इंडिया ने खुद मैन्यूफेक्चर करना शुरू करा और अब ये जो इंजन है ये इसरो जो है खुद मैनुफेक्चर करता है तो विकास इंजन इज यूज टू तो पावर द सेकंड स्टेज ओके तो आ, एंड सेकंड स्टेज और जीएसएल जी ओके तो ये उसकी वेरियंट हैं फोर्टी टन एंड फिफ्टी फाइव टन तो यहां पर जी वी मार्क वन एंड टू के लिए जो प्रोपेलेंट लोडिंग थी फोर्टी टन थी और जो आ, थर्ड जो है मार्क थ्री उसके लिए फिफ्टी फाइव टन की प्रोपेलेंट uh, लोडिंग होती है विकास इंजन में ओके? सो दिस इज अ प्रोटोटाइप यू कैन सी हेर ओके सो अब अगर हम विकास इंजन की बात करें दिज आर द लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन ओके एंड वर डिजाइंड बाय द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इन नाइनटीन सेवेंटीज सो सम वे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रेंच एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड producing them domestically, so they are used in polar satellite launch vehicle and also in geosynchronous satellite launch vehicle, theek hai aur geosynchronous satellite launch vehicle. Okay clear? So I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. Next क्या है? So जो cryogenic, अब third stage की बात करेंगे, जो cryogenic upper stage है. So it is also known as C25. तो यहाँ पर हमारे पास C20 जो हमने engine की बात करी है, वो use होता है. तो सी ई ट्वेंटी इज द फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन डेवेल्प बाय इंडिया यूजिंग ए गैस जनरेटर तो ये जो स्टेज uh, है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट जो अपर स्टेज है वहाँ पर रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो है वो लॉन्च व्हीकल को प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन इंटरप्लरी मिशन सपोज मार्च पे जैसे जाना है तो ऐसे मिशन के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ओके okay? सो so, यहां पर हम बात करें तो इसको आ, जो फर्स्ट टेस्ट था ये 2017 में हुआ था बाय इसरो प्रोपल्शन कम्प्लेक्स फैसिलिटी महेंद्र गिरी तमिलनाडु ओके तो ये सब्सिडरी है इसरो के अंडर ओके तो ये पॉइंट्स जो हैं हम कर चुके हैं ठीक है सी ई ट्वेंटी तो अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की बात करें जैसे आ, आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि जो स्पेस एक्स है जैसे एलमस्क की जो कंपनी है सो so, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं तो वहाँ पर री यूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का भी कंसेप्ट आ रहा है तो फ्यूचर में जो हमारा मेन एम होगा वो क्या है कि जो फ्यूल uh, जो है उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ करनी है और जो पे लोड कैपेसिटी है उस लॉन्च व्हीकल की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो लेके जा सकें बिकॉज फॉर एग्जांपल जो स्टारलिंग प्रोजेक्ट है जैसे स्पेस एक्स का तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स विल बी डिप्लॉयड इन द स्पेस इन कमिंग फ्यूचर सो ऐसे बहुत सारी डिवेलपमेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में होने वाली हैं ओके सो दीज आर द मेन टॉपिक्स रिलेटेड टू द क्रायोजेनिक्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन थैंक यू